3.76 क्लास 6 हिंदी मीडियम की आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्या कर लिया है, यहां तक सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रत्येक का जो सत्यापन कीजिए, तो सत्यापन करना है। यहां पर दिया गया है, क्या दिया है, यहां पर दिया है -p2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2, और हमको लाना क्या है, हमको लाना है -2 की पावर 5। तो हमको ये हमको LHS पार्ट दे रखा है और ये RHS पार्ट दे रखा है, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर LHS पार्ट ले लेते हैं और RHS फाइंड कर लेते हैं। मतलब कि LHS से हम RHS फाइंड कर लेंगे तो फिर वहां पे हम लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। मतलब कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, दाया पक्ष है, वो बाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। तो ये LHS हो जाएगा, मतलब कि बाया पक्ष क्या हो जाएगा, हम बाया पक्ष लेकर चल रहे हैं। तो हम लेते हैं -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2। फिर क्या करेंगे हम, अब हमको पता है कि यहाँ पर भी बेस सेम है, दोनों के आधार क्या है, समान है। जब दोनों के आधार समान होते हैं ना तो गुणा में खाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, गुणा में खाते जुड़ जाती है। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा RHS। तो यहाँ पर लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमको सत्यापित करना था कि सत्यापित कीजिए कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। ये हमको सत्यापित करना था और ये हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया कि जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो जो RHS, जो RHS पार्ट है वो, सॉरी, जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के क्या है, इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, बाया पक्ष यहां लेकर चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ओके, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड वाला भी क्वेश्चन बस सत्यापित करते जाना है आपको। अब यहाँ पर दिया है 3 की पावर 2 उल्टा लिख दिया मैंने, 3 की पावर 2, और हमको लाना क्या है, हमको लाना है 3 की पावर 3। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, वही बाया पक्ष लेकर चलेंगे और दाया पक्ष हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे। तो बाया पक्ष ले लेंगे हम 3 की पावर 2। अब यहां पर डिवाइड दिया है तो 3 की पावर 5 / 3 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 दी हुई है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमें पता है कि जब भी अगर आधार सेम होते हैं तो भाग में घाते घट जाती है, क्या हो जाता है, भाग में जो घाते होती है वो घट जाती है। तो 3 की पावर 5 - 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, और ये क्या आ गया हमारा दाया पक्ष, ये हमारा क्या आ गया दाया पक्ष। तो ये हमारा दाया पक्ष आ गया, हम बाया पक्ष लेकर चले थे, दाया पक्ष हमने फाइंड कर दिया, इसलिए लिख सकते हैं हम LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो LHS मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS। तो ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया है कि जो बाया पक्ष है वो दाया पक्ष की क्या है, इक्वल है। ये फाइंड करना था, ये हमने शो कर दिया है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। यहां पे देखिए, ऐसा ही आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आप देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको करना है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि 21 की घात 4 - 18 की घात 4 और बराबर में लाना है 3 की घात 4। तो ये हमको क्या करना है, शो करना है। अब सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे, मतलब कि हम बाया वाला पार्ट लेकर चलेंगे, बाया पक्ष ये हम लेकर चलेंगे। और इससे क्या कर देंगे, अगर हम ये लेकर चलेंगे तो ये फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 21 की घात 4 - 18 की घात 4।
अब इसको लेकर चल रहे हैं तो हमको पता है कि यदि इनके बेस तो सेम है नहीं है, अब सेम क्या है घाते हैं, तो घाते जब सेम होती हैं तो 21 माइनस का 18, घाते जब सेम होती हैं तो घातों को एक ही मान लिया जाता है कि इसकी भी घात 4 है, इसकी भी घात है 4 है, तो इन दोनों की भी घात क्या होगी 4 ही होगी। अब हमको पता है कि 21 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 की पावर क्या आ जाएगा 4। तो यही हमारा क्या लाना था, हमको आंसर लाना था। इसको हम लिख सकते हैं दायां पक्ष, क्या लिख सकते हैं इसको, दायां पक्ष। ये बायां पक्ष लेकर चले थे, दायां पक्ष हम फाइंड कर लिया। तो यदि इनकी अगर घाते सॉरी हाँ घाते समान होती हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे, 21 में से माइनस 18 कर देंगे। ऐसे ही हमको क्या करना है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला दे रखा है 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इक्वल टू हमको लाना है 5 की पावर 2। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाले को लेकर चलते हैं और ये वाला पार्ट हम फाइंड कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 16 कितना होता है 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फाइंड हो गया, मतलब कि 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे बाया पक्ष बराबर, बाया बराबर यहाँ पर पक्ष लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम दाया पक्ष। तो बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष हो जाएगा, तो बाया पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, दाया पक्ष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या करना है, हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आधार समान दिए हैं, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगी। मतलब कि आप ऐसे ही देख लीजिए कि 6 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6 वाले क्वेश्चन में अब 5 की पावर 7 दी हुई है और 5 की पावर 3 दी हुई है, तो 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का हमको घन ज्ञात करना है। अगर हम 10 प्राकृत संख्याओं का घन ज्ञात करना है तो वो हम करते हैं, ठीक है ना। तो 10 प्राकृत संख्याओं का हमको घन ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। तो 1 का घन क्या होगा 1, 2 का घन क्या होगा 8, 3 का घन क्या होगा 27, 4 का घन क्या होगा 64, 5 का घन क्या होगा 125, 6 का घन क्या होगा कितना 36 में 216, 7 का घन होगा 343 343 8 का होगा 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, आप देख सकते हैं बोर्ड पर लगा हुआ है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग याद कीजिए तथा उनके संख्याओं के गाय के अंक का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो ये घन हो गए, हमको पता है 1 का घन कितना 1, 2, 8, 3, 27, 4, 64, 5, 125, 6, 2, 16, 7, 343, 8, 512, 9, 729, 10, 1000। ये घन होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि हमको 1 से लेके 10 तक की क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब इनके इकाई के अंक के भी क्या करना है, हमको इकाई के अंक का अध्ययन भी करना है। तो इसका 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा और 1 होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि -4 की घात पर -64 होगा, ठीक है ना। तो कितनी घात पर 64 होगा, तो 3 पर होगा,
कितने पर होगा, तीन पर होगा। तो ये आपके स्क्वायर थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माइनस चार की किस घात पर माइनस 64 होगा, तो तीन पर। माइनस चार की घात तीन पर, घात घात तीन पर माइनस 64 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाले का। और सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस दो की किस घात पर 16 होगा, तो माइनस दो की घात चार पर 16 होगा, ये आपके सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 3.7 हिंदी मीडियम क्लास 6 की हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 3.8 नहीं है, अब हम चैप्टर करेंगे 4 गुणनखंड एवं गुणज। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।